सदर तहसील के आरोहर के तहत सोमवार को एनेक्सी भवन के सभागार में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मंडलायुक्त जैन नालिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अनुराज जैन, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित, तहसीलदार न्यायिक नीलम तिवारी सहित तहसील सदर के अन्य अधिकारी और कानूनगो तथा लेखपाल मौजूद रहे। सम्मान समारोह में लॉकडाउन के दौरान तथा गोरखपुर पहल योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले तहसील सदर के कर्मचारियों को मंडलायुक्त जैन नालिकर तथा जिलाधिकारी के वी एन पांडेन द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंडलायुक्त जैन नालिकर और जिलाधिकारी के वी एन पांडेन ने एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल और उनकी पूरी टीम के कार्यों की सराहना की। जिलाधिकारी के वी एन पांडेन ने कहा कि मनुष्य का जीवन जमीन से ही जुड़ा है, जमीन से ही जनता है और जनता से सरकार है और सरकार से देश चलता है। इसलिए सरकारी जमीनों को संरक्षित करने का काम जो एसडीएम सदर द्वारा किया गया है वह काबिले तारीफ है। इस मौके पर मंडलायुक्त ने लॉकडाउन के दौरान सभी लोगों के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि मीडिया के सकारात्मक रुख से लॉकडाउन पूरी तरह से सफल रहा। इस संबंध में एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि गोरखपुर पहल के तहत सदर तहसील के शहरी क्षेत्र में 68 एकड़ और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 400 एकड़ जमीन खाली कराई गई है। इसके अलावा कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन में तहसील कर्मियों द्वारा कम्युनिटी किचन के माध्यम से लोगों को राशन पहुंचाने का कार्य, तहसील सदर के पोर्टल पर द्वारा ऑनलाइन सामानों की आपूर्ति, इलेक्ट्रिक सामानों की आपूर्ति व मरम्मत के कार्य सहित अन्य कार्यों को बड़े ही सुचारू ढंग से किया गया, जिसमें तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तहसीलदार सदर ने सभी लेखपालों, राजस्व अमीनों, कानूनगों को पल पल पर सतर्क करते हुए कार्य के सफलता में अपना योगदान दिया। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने पूरे लॉकडाउन में ऐसा ही काम किया गया है, इनके लिए विशेष आभार। आप जानते हैं कि पर्वतारोही एक बहुत महत्वपूर्ण एक साथी हमारा भी नहीं है यहाँ पर, सुनील सिंह ना तो कहे यहाँ पे, ये तो उपस्थित नहीं है। हमने देखे कि लोग जो वहीं बैठ के अपने टेस्ट करके देखे, साहब गोरखपुर पहल शुरू किया था सर, ज्वाइंट सर ने आते ही सर, इसका 70 दिन का कार्यकाल सर खत्म हुआ, पुनः सर उसी ऊर्जा से जुट गया सर, अथक प्रयास से सर प्रशासन काम द्वारा सर प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है सर, और एशियन सहयोगी संस्था लोगों का सर काफी निजी कार्यक्रम है। शासन की विभिन्न योजनाएं चलती है, उन योजनाओं में उस जमीन का उपयोग हो पाए और जिन पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए कभी कभी गाँव में शासन की विभिन्न योजनाओं के द्वारा जमीन चाहिए होती है वो मिल नहीं पाती, तो उस लैंड बैंक के द्वारा हम उन जमीनों को संरक्षित कर पाए। मेन पर्पज यही था गोरखपुर पहल में, ताकि मुख्यतः हमारी ग्रामीण अंचल की जितनी भी वो हैं सारी को हो पाए। इसी में हमने स्टार्टिंग में किया था लगभग फरवरी और मार्च में, तो गांव में हमारा चला था, तो इसका अचीवमेंट यह लगभग 19 गाँव में हमने स्टार्ट किया और 19 गाँव में लगभग 372 एकड़ लैंड हमने इसमें खाली कराई। तो अगर हम शहर और अर्बन का देखें सर, रूरल एरिया अर्बन एरिया का, तो अभी तक हमने लगभग 62 एकड़ लैंड शहरी एरिया में खाली कराई है, जिसका अप्रोक्सीमेट जो प्राइस है मार्केट के हिसाब से वो 2200 से 2500 करोड़ है। इधर देखिए, जगदीश
जो भी उसमें गलती सही अगर जो है उसी विश्वास से ये जिम्मेदारी हम लोग को ऊपर आता है मिलता है और हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट दायित्व होता है ये सारे विभाग का समन्वय मेंटेन करना है ना जो कोऑर्डिनेशन कराना भले वो स्वास्थ्य विभाग हो भले वो कृषि विभाग हो कोई भी विभाग आप गिन ले घूम फिरा के कहीं ना कहीं हम ही लोग कहीं जो कोऑर्डिनेशन का जो होता है वो हम ही लोग ऊपर आ जाता है ताकि सोच समझ करके रेवेन्यू सिस्टम बनाया है बिना जमीन का कोई चीज है ही नहीं तो जमीन से ही तो सारे जीव जंतु भी निकलता है जमीन से ही सिस्टम भी है देश को भी डेफिनेशन कहेंगे तो उसका जमीन से ही बनता है जमीन है जनता है और बोर्ड सरकार तीनों चीज मिलके एक देश कहला जाता है नेशन कहला जाता है जो हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट दायित्व है यहाँ का सरकारी जमीन का जिम्मेदारी ये है उसके अलावा किसको जमीन किसको देना है अधिकार के तौर से ताकि तो हमेशा जमीन तो सरकार के पास ही रहता है गवर्नमेंट के पास ही रहता है समय समय पर हम लोग पट्टा के रूप से किसी ना रूप से हम देते हैं फिर उस पर वो कोई समस्या आता तो हल करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम है ताकि सभी चीज कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए जमीन से जो जीवन भी निकलता है जमीन से अंत भी वहीं से होता है इतने बड़ा जिम्मेदारी हम लोग हाथ पे है और आप लोगों का मैं अलग व्यक्तिगत तौर से मैं धन्यवाद देने चाहता हूँ जरूर ये कार्यक्रम अलग भी मनाएंगे ताकि हम इसलिए जो ऊर्जा आपका है वो जारी रखिएगा और मैं गर्व महसूस करता हूँ इसी परिवार का जो मुखिया का और सदस्य के रूप से जो हम लोग जो कितने किए हैं बहुत मुश्किल से किसी विभाग का ये ऐसे अपॉर्चुनिटी और मौका मिला होगा मैं चाहता हूँ तो हम जो ऐसे उभर के लड़े हैं वैसे आगे भी लड़ेंगे ताकि ये देश का एक अच्छा उदाहरण के रूप से हमारे विभाग का पेश करें और बाकी लोग हम लोग से प्रेरणा लें और हम चाहते हैं ये एनर्जी जारी रखिए जरूर ये कठिन काल खत्म हो जाएगा मैं आप सभी को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ और उसके साथ साथ कृतज्ञता अर्पित करता हूँ कि जो सारे कार्य विगत 10 माह में गोरखपुर मंडल की बात करें तो पौने दो करोड़ के कई राज्य ने भारतवर्ष में और पौने दो करोड़ जनसंख्या बहुत होती है यदि पैंडेमिक कोरोना जैसी और फरवरी मार्च से स्टेज में ये कार्य साथ शुरू हुआ और जो अनवरत अभी भी चल रहा है और पिछले 8 महीनों में ये जो भी लड़ाई गोरखपुर जनपद में और प्रमुखिया गोरखपुर तहसील में लड़ी गई उसकी जो प्रभावी थी जो प्रभावी है और आशा करते हैं प्रभावी रहेगी क्योंकि एक और कार्य इसमें जुड़ने जा रहा है जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने बताया जैसी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया इसका प्रभाव आपके बिना इतना अच्छा नहीं होता ये मैं बिल्कुल इस मन से कहना चाहूँगा और इसलिए ये कृतज्ञता मैं अर्पित करता हूँ आप में से लोगों ने यदि सिर्फ कोविड की ही मैं बात करूँ चाहे वो जब हमारे प्रवासी लौट के आ रहे थे उनके लिए खाने का प्रबंध करना है उनमें से कई बीमार थे आपने अपने को संक्रमण को जाने के भय से मुक्त करते हुए उनकी जो सेवा करने का प्रयास किया किसी ने पानी का प्रबंध किया किसी ने उनके रहने का प्रबंध किया और उसमें जो आपने तत्परता के साथ अपनी भूमिका निभाई और ये आप सब जिसे हम लोग एकदम कहते हैं अनसेन हीरो जैसे कि इस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं इस बिल्डिंग में आपको फर्स्ट दिखता है
का रोड दिखता है, पहला कदम दिखता है, बिल्डिंग का मंजूरा दिखता है, लेकिन इस बिल्डिंग के नींव में जो पत्थर लगे इस बिल्डिंग को मजबूती प्रदान करने का काम वो पत्थर है, नींव के पत्थर है, लेकिन वो नींव के पत्थर अनसंग हीरो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है जो वो लिखते हैं। बैठे हुए हैं राजस्व प्रशासन के लोग, जिलाधिकारी हेड होते हैं, जिलाधिकारी से लेके आखिरी लेवल तक जो राजस्व के कार्मिक हैं, आप सब नींव के पत्थर हैं। मुझे लगता है भारतीय प्रशासनिक सेवा में मुझे 17 साल हो गए हैं, 18 शुरू हो गया है, और जितनी पॉजिटिव मीडिया, और ये है इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जितनी पॉजिटिव मीडिया मैंने गोरखपुर जनपद में देखी है उतनी मैंने आज तक नहीं देखी। क्वारंटाइन सेंटर में कुछ कमी थी, मैंने कुछ लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन लोगों ने न्यूज़पेपर में ना लिखते हुए मुझे फोन पर बताया, जिलाधिकारी को फोन पर बताया, या न्यूज़पेपर में भी लिखने का एक क्रिटिकल एनालिसिस होती है जिसको आप सकारात्मक रूप से करते हैं, ये कार्य हो गए हैं, मुझे लगता है ये दो चीजें रह गई, पर हमारा ध्यान उन कवियों द्वारा आकर्षित किया जिनको किया जाना उस समय में बहुत जरूरी था, और इसलिए मैं उनको आज इस मन से उनको भी इस मंडल की और इस जनपद की मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तहसील सदर के द्वारा जो हमारे लेखपाल संघ है, अमीन संघ है, उनके कर्मचारी, हमारा ऑफिस का स्टाफ है, हमारे कानूनगो हैं, रजिस्ट्रार कानूनगो हैं, जो पिछले 9 महीने में कोविड के दौरान और गोरखपुर पहल के अंतर्गत जिन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और जिनके द्वारा लगभग 68 एकड़ की भूमि शहरी क्षेत्र में और लगभग 400 एकड़ भूमि ग्रामीण क्षेत्र में मुक्त कराई गई है, और कोविड के दौरान विभिन्न कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इस शहर को, इस जनपद को बचाने में काफ़ी हद तक जिन्होंने भूमिका निभाई है, उन सभी को प्रतिभा को उनको प्रोत्साहित करने के लिए कमिश्नर सर और DM सर के द्वारा आज उनका सम्मान किया गया, और उनके द्वारा मोटिवेशन उन लोगों को भी मिला, और हमारी पूरी टीम के हर मेंबर को खुद एक गौरवान्वित महसूस कर रहा है सम्मान पाकर, और एक नई ऊर्जा के साथ फिर से नए काम के लिए तत्पर है। सर कितने लोग सम्मानित किए हैं? हमारे लगभग 30, वैसे तो बड़ा हमारा तहसील सदर के प्रत्येक सदस्य ने बहुत अच्छा काम किया है, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल था उनको चुनना, लेकिन चूँकि अब किसी को देना होता है तो हमने 10 ऑब्जेक्टिव पैरामीटर बनाए हैं जिनके आधार पर उनका चुनाव किया गया, एक चयन समिति बनाई थी 5 लोगों की जिसने चुना और उसके बाद उनको दिया गया है, मगर 30 लोग हैं जिनके द्वारा ये सम्मान आज मिला है, उसके अतिरिक्त भी कई सारे हमारे प्रत्येक सदस्य ने बड़ा अच्छा काम किया है, और ऐसे फंक्शन से लोगों की मोटिवेशन, मतलब हमारे कर्मचारियों में मोटिवेशन आता है और अच्छा कार्य करने की नई ऊर्जा मिलती है।